भागलपुर मोजैदपुर थाना क्षेत्र का मियां शाह मैदान अपराधियों की गोली की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। शुक्रवार को चार की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने गोलीबारी शुरू कर दी। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। अपराधियों ने करीब एक दर्जन से अधिक राउंड गोली फायर की है। घटना में दो लोगों को गोली लगी है जो गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें परिजनों के द्वारा इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुख्यात आफताब ने रंगदारी के रूप में शनिवार को 1,00,000 रुपए की डिमांड घटना में घायल अयान के बड़े भाई से की थी और रकम नहीं देने पर गोली मार देने की धमकी भी दी थी। घटना में अयान के पैर में गोली लगी है जबकि लड्डू कुरैशी के हाथ में गोली लगी है और वो दोनों गंभीर रूप से घायल हैं। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। घटना के बाद सिटी डीएसपी भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। भाई के साथ खड़े हुए थे मैदान में, आफताब आया, छोटू आया, सद्दाम रोड पे खड़ा रहा, फरान तीनों के मैदान गुस्सा, अब मेरे भाई को दौड़ाया तो हम लोग भागे, पत्ने में गोली चलाया, पहले एक गोली आफताब चलाया, फिर फरान चलाया, फिर छोटू चलाया, टोटल लोग 14-15 गोली चलाया। गोली किसको लगा? गोली लगा मेरे पापा के हाथ में और एक मैदान में बच्चा है उसको लगा पैर में। क्या नाम? मोहम्मद लड्डू कुरैशी। रंगदारी मांगी था सर 4 दिन पहले 1,00,000 रुपया, आफताब तो न्याय दिया था, मीट का दुकान है जी खस्सी का मिर्जान में। बच्चा की स्थिति क्या है? बच्चे अभी तो सर मायागंज ले गया, कह नहीं सकती हैं। क्या नाम पता है? बच्चे का नाम शायद आर्यन है सर। आर्यन है जी। खड़ा है वो लड़का, कौन है? मोहम्मद फेकू। कौन है वो? छोटू के साथ रहता, परसों गोली वो भी चलाया था घर पर आ करके, पहले हो चुका था परसों घटना, तो मुजफ्फरपुर थाना एक्शन नहीं लिया था, थाने गए थे तो जी, तो बोला कि केस तेस ना होगा, गोली किसी को लगा नहीं, जब लगेगा तब केस होगा। भागलपुर के सरदार पटेल चौक पर शुक्रवार को जनता दल यूनाइटेड की ओर से शहर के सरदार पटेल चौक के समीप आतिशबाजी कर और मिठाई खिलाकर जश्न मनाया गया। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू नेता नीतीश कुमार को दिल्ली में हुई पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में एक बार फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। इससे पूर्व पार्टी के अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने पार्टी पदाधिकारियों के समक्ष अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसके बाद सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। इसी को लेकर भागलपुर में जदयू कार्यकर्ताओं ने कचहरी चौक के पास आतिशबाजी एवं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां व्यक्त की। वहीं इस दौरान जदयू के पूर्व महानगर अध्यक्ष सुड्डू साई ने कहा कि नीतीश कुमार उनके दल के सर्वमान्य नेता हैं और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है, जिसका लाभ आने वाले दिनों में संगठन में देखने को मिलेगा। इधर युवा जदयू के राष्ट्रीय सचिव राकेश ओझा ने कहा कि देश में जो भी हालात हैं उसे देखते हुए नीतीश कुमार द्वारा पार्टी की कमान संभालना शुभ संकेत है। वहीं युवा जदयू के नगर अध्यक्ष सोमू राज ने कहा कि देश की राजनीति में नीतीश कुमार की भूमिका अहम होने वाली है और आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी पार्टी एवं सहयोगी दलों को भी इसका लाभ मिलेगा। मौके पर जदयू नेता संजय शाह, रामशी सिंह, विकास कुमार, मुनील यादव समेत जदयू के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हम लोगों के सर्वनाम सर्वमान्य नेता हमारे गार्जियन राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर आए, उसी उपलक्ष्य में आज हम लोगों के द्वारा यहाँ पर कचहरी चौक पर आतिशबाजी की गई और आज दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न का माहौल बनाया गया। बदलाव जो हम लोगों के पार्टी के अंदर हुआ, इस बदलाव का उद्देश्य है कि पूरी मजबूती के साथ पूरे देश में जो चुनाव हो उसमें माननीय मुख्यमंत्री प्रचार में जाए सारे देश में। भागलपुर के प्रधान डाकघर परिसर स्थित पोस्टमास्टर जनरल पूर्वी क्षेत्र कार्यालय में शुक्रवार को बिहार परिमंडल पटना के चीफ पोस्टमास्टर जनरल अनिल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाक विभाग द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्वी क्षेत्र के चीफ पोस्टमास्टर जनरल अनिल कुमार ने डाकघर के माध्यम से अलग अलग उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पहल करने की बात करते हुए कहा कि डाकघर के माध्यम से गांव-गांव तक उत्पाद को पहुंचाया जा सकता है, जबकि विदेशों में भी पोस्टल विभाग के द्वारा सामान को भेजना आसान होगा। उन्होंने निर्यात से होने वाले लाभ के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सके, जिससे युवाओं और महिलाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हों, इसके लिए डाक विभाग भी काफी सजग है। चीफ पीएमजी अनिल कुमार ने कहा कि पोस्ट ऑफिस द्वारा हर तरह की सामग्री का निर्यात संभव है, जबकि खाता के अभाव में जिन्हें भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल सका है वो जल्द ही डाकघर में खाता खुलवाएं, जिससे उन्हें उनका पैसा
तुरंत मिल सके। इसके अलावा विकसित भारत संकल्प यात्रा, आयुष्मान कार्ड, विश्वकर्मा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना समेत 17 अन्य योजनाओं पर विभाग द्वारा काम करने की बात अनिल कुमार ने कही। साथ ही कहा कि कोई भी व्यक्ति सरकार और डाक विभाग के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे, यही उन सभी का प्रयास है। मौके पर विभाग के कई पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे, जुड़े हुए हैं। अब विकसित भारत संकल्प यात्रा का बहुत ही नोबेल, बहुत ही अच्छा संकल्प है। और बहुत ही संकल्प यह है कि जितने भी भारत सरकार के स्कीम्स हैं, जितने भी लाभ हैं, जितने भी सब्सिडी हैं, जितने भी ग्रांट्स हैं, अंतिम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं, यानी उस स्कीम को हम लोग सैचुरेट कर दें। जैसे आयुष्मान का लीजिए, दूसरे राज्यों में आयुष्मान काफ़ी बनाया, बिहार में कम बनाया, तो हम लोग आयुष्मान बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को विश्वकर्मा में रजिस्ट्रेशन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जो श्रमिक हैं उनका ई श्रमिक रजिस्ट्रेशन जो होता है उसमें करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सुकन्या समृद्धि खाता खुलवा रहे हैं बड़ी संख्या में, और ये महिला सम्मान पत्र बड़ी संख्या में दिलवा रहे हैं। अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, बहुत सारी स्कीम, 17 स्कीम है। 17 स्कीम पर आइडिया ये है कि हम लोग इतना एग्रेसिवली काम करें, इतने लोगों तक जाएं कि जो आदमी इसके लिए हकदार है, इसके लिए एलिजिबल है, वो एक भी आदमी बचे नहीं। पटना में आयोजित मिस एंड मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग के भागलपुर सूजागंज निवासी मयंक अग्रवाल और आरती अग्रवाल के 4 वर्षीय पुत्र क्रियान अग्रवाल ने चैंपियन बनकर भागलपुर का मान बढ़ाया है। क्रियान अग्रवाल जूनियर वर्ग का खिताब जीतने के बाद अपने परिजनों के साथ भागलपुर पहुंचे, वह काफी उत्साहित दिखाई दिए। क्रियान की उपलब्धि से पिता मयंक अग्रवाल फूले नहीं समा रहे हैं और कह रहे हैं कि यह उनके परिवार के लिए गर्व का क्षण है। वहीं मां आरती अग्रवाल भी काफी उत्साहित है। वह कह रही है कि पहले तो डर लगता था कि पूरे देश से आए इतने सारे बच्चों में क्रियान कैसा प्रदर्शन करेगा, लेकिन जिस तरह रैंप वॉक सहित हर एक क्षेत्र में क्रियान ने प्रदर्शन किया और इतनी छोटी सी उम्र में चैंपियन बना, वह मेरे लिए एक माँ होने के नाते काफी खुशी और गर्व का पल है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वहाँ पर बहुत हर अलग स्टेट से सब बच्चे लोग आए थे, जिसमें से मेरा बच्चा विनर हुआ है और आज मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत गर्व महसूस हो रहा है ये बात सुनकर के क्रियान ने प्रथम स्थान हासिल किया है इतने बच्चों के बीच में। उसने जाकर के जिस हिसाब से रैंप वॉक किया, अपना प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया, मुझे यकीन नहीं था कि ये प्रथम स्थान हासिल करने लायक वहाँ पर बच्चा होगा, जबकि इसकी उम्र महज 8 साल होने वाली है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर सुल्तानगंज नगर परिषद के सभागार में सामान्य समिति की बैठक मुख्य पार्षद राजकुमार गुड्डू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान नगर उपसभापति नीलम देवी, वार्ड पार्षद पंकज यादव, विनोद रजक, संजय चौधरी, नवीन कुमार बन्नी, सरिता देवी, रूवी देवी, आरती कुमारी, रीना सिंह समेत अन्य वार्ड पार्षद शामिल हुए। बैठक में नल जल पर समीक्षा, नल जल कनेक्शन,
नाला होते हुए पाइप के निदान पर विचार, नमामि गंगे घाट की बंदोबस्ती, होर्डिंग टैक्स संग्रह, सड़क वर्गीकरण एवं नगर परिषद क्षेत्र में चलने वाले टोटों को प्रतिबंध पर विचार किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए कार्यवाही करने की बात कही गई। साथ ही नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा कोरोना काल एवं श्रावणी वेला में अच्छा कार्य करने पर उन लोगों को फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान नगर परिषद क्षेत्र के सभी वार्ड पार्षद मौजूद थे। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कमरगंज पंचायत में 150 बीघा जमीन के जमींदार के द्वारा जमीन के नाम पर करोड़ों रुपए की कई लोगों से ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं इस मामले में जमीन के एग्रीमेंट कर्ता मोहम्मद चांद आलम ने बताया कि 2021 में केशव नारायण भगत से 54 बीघा जमीन 16 करोड़ रुपए में एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें 20 लाख रुपए केशव नारायण भगत के पुत्र आशीष कुमार के बैंक अकाउंट में डाला गया और 50,000 रुपए नगद दी गई। अब उस जमीन के बारे में पता चला है कि केशव नारायण भगत के पिता स्वर्गीय राजकिशोर भगत ने अपने जीवन काल में ही अपने हिस्से की जमीन पड़ोस के रहने वाले 26 यादव एवं मांझी परिवार को रजिस्ट्री कर दी थी। मामले की जानकारी होने पर केशव नारायण भगत एवं उसके पुत्र आशीष कुमार से पैसा मांगने पर गाली गलौज करते हुए टालमटोल किया जा रहा है। मामले को लेकर सुल्तानगंज थाना में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई गई है। वहीं पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए घटना की छानबीन कर रही है। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के असियाचक पंचायत अंतर्गत नौनसर गांव में देर रात धान के टाल में अचानक आग लगने पर किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो गया। ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को सूचना देने पर फायर ब्रिगेड गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर बड़ी मशक्कत कर काबू पाया गया। इस दौरान गाँव के समाजसेवी कुंज बिहारी ने बताया कि देर रात धान के टाल में अचानक आग लगने पर अनिल पासवान, गणेश मांझी, घनश्याम मांझी, नीरज मांझी एवं डब्लू यादव का लाखों रुपए का धान जलकर राख हो गया। यदि घटनास्थल पर दमकल गाड़ी समय पर नहीं पहुंचती तो और भी किसानों का फसल जलकर राख हो जाता। मौके पर कई ग्रामीण एवं पुलिस मौजूद थे। भागलपुर पीरपैंती प्रखंड के रामबनी खेल मैदान में हर साल की तरह इस वर्ष भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य पर क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुखिया संघ के अध्यक्ष रमेश टुड्डू ने किया। 4 दिवसीय क्रिकेट मुकाबला में 8 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबला शुक्रवार को खेला गया, जिसमें रामनगर की टीम ने कटिहार की टीम को 8 विकेट से पराजित कर अपना परचम लहराया। वहीं मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज शहादत एवं अमन को मिला। मौके पर कमेटी के अध्यक्ष दिनेश गोस्वामी, उपाध्यक्ष सुनील, संजय शाह, विपिन सिंह व सैकड़ों की संख्या में दर्शक उपस्थित रहे।